मरने के पहले जो अवस्था तुम्हारी होगी अंदर की, मरने के बाद वही रहेगी। मरने के पहले तुम्हारी आत्मा की जो स्थिति है, तुम्हारे मन की जो स्थिति है, वही मरने के बाद होगी, कोई नई बात नहीं हो जाएगी। जैसे लड़का लिख रहा है परीक्षा में, 3 घंटे का टाइम है, जो कुछ कॉपी में लिखे आएगा वो उसी का नंबर मिलेगा उसको, बीच में कुछ बढ़ नहीं जाएगा न घट जाएगा, उतने मिलेगा। तो पहले सोचो कि हमारा मन संसार से हटा क्या, हमारा काम क्रोध लोभ मोह गया क्या, हमारे प्रशंसा सुन के हमें खुशी होती है क्या, बुराई सुन करके हमें खुशी होती है या बुरा लगता है, क्या होता है, ये सब अपने आप को देखो। अगर गड़बड़ अंदर आपको लगती है तो फिर धोखे में ना रहो, हमको मोक्ष मिल जाएगा मरने के बाद। मरने के बाद कोई नई बात नहीं होती, जो मरने के पहले मिला है उतने मिल जाता है बस। मरने के पहले जो कुछ तुमने कमाया है वो तुमको फीलिंग में आएगा, भगवान से कितना प्यार हुआ, संसार से कितना वैराग्य हुआ, ये पैमाना है, ये माइलस्टोन है, परखने का एक मापदंड है, भगवान से कितना प्यार हुआ, जितना संसार से वैराग्य हुआ। वैराग्य को कैसे पहचाने, हम पहले 10 रुपया नुकसान होने पर दुखी होते थे, अब 100 रुपया होने पर होते हैं, अब 1000 रुपये होने पर होते हैं, अब 1 लाख नष्ट हो जाए तब दुखी होते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ये पहचान है। इससे परखो नापो तौलो अपने आप को, तब मालूम पड़े कि मैं कहाँ हूँ। अब ऐसे जमानी जमा खर्च, हम तो वृंदावन में रहते हैं और संतों का आशीर्वाद मिल गया है और बस हमें तो मरने के बाद 2 लोग पक्का है, ऐसे नहीं होता।